नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा विषय पर देश भर के छात्रों से बातचीत की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने अपनी पाठशाला लगाई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने देश भर के लाखों छात्र छात्राओं को गुरु मंत्र दिया। परीक्षा के मौसम में प्रधानमंत्री ने छात्रों को परीक्षा की तैयारी और परीक्षा के दौरान तनाव को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर कई टिप्स दिए। हालांकि कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा अब खत्म होने को है, ऐसे में इन स्कूलों के बच्चों में निराशा है कि प्रधानमंत्री ने ये टिप्स आखिर पहले क्यों नहीं दिए। परीक्षा का मौसम है और परीक्षा देने वाले बच्चों का तनाव चरम पर है। हालांकि यूपी और बिहार के सरकारी स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है और जल्द ही खत्म होने वाली है। मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी तनाव भरे माहौल में परीक्षा दे रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अपनी क्लास लगाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम देश के करोड़ों छात्र छात्राओं से रूबरू हुए और परीक्षा में तनाव को कैसे काबू करें, कैसे तनाव रहित होकर परीक्षा दें, कैसे आत्मविश्वास को बढ़ाएं और पढ़ाई के दौरान किस तरह से एकाग्रता बढ़ाएं, इस पर टिप्स दी। इस संवाद में पीएम मोदी ने कक्षा 9 से 12वीं क्लास के छात्रों को संबोधित कर उन्हें परीक्षा की तैयारियों के गुर सिखाए, ताकि छात्रों को तनाव से मुक्ति मिल सके। इस कार्यक्रम को परीक्षा पर चर्चा नाम दिया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि परीक्षा एक उत्सव की तरह है, जिसे पूरे उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। इस मौके पर मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। मोदी सर की क्लास में देश के सीबीएसई बोर्ड के कई बड़े स्कूलों के बच्चे शामिल हुए और आने वाली परीक्षा में कैसे तैयारी की जाए और परीक्षा के दौरान कैसे तनाव से मुक्ति पाई जाए, इस पर सवाल किए, जिसका पीएम मोदी ने पूरे तर्क के साथ जवाब दिया। पीएम ने कहा कि अगर छात्रों में आत्मविश्वास नहीं है तो कितनी भी मेहनत करेंगे सफल नहीं हो पाएंगे। ये बातें पीएम ने 12वीं की एक छात्रा की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में कही। छात्रा का सवाल था कि अगर परीक्षा में नर्वस हैं तो इसका सामना कैसे करेंगे। आपने देखा होगा, विद्यार्थी सामान्य तौर पे सरस्वती की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ आराध्य देवी सरस्वती मानते हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं उस दिन हनुमान जी को क्या कारण है? हकीकत यह है कि मन में एक भाव रहता है आत्मविश्वास का, यह बहुत आवश्यक होता है। आत्मविश्वास हर कदम पर कोशिश करते 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 बढ़ता है और हम उसको अचीव कर सकते हैं, और इसलिए निरंतर यह कोशिश होनी चाहिए कि मैं जहां हूं उससे मुझे कुछ और अधिक करना है और इसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। पीएम मोदी ने बड़े ही उत्साह के साथ बच्चों के सवालों का जवाब दिया और कई मजेदार उदाहरण भी दिए। इस दौरान पीएम से सवाल किया गया कि पढ़ाई में ध्यान बंटे तो क्या करना चाहिए, इसका जवाब भी पीएम ने बड़े मजेदार तरीके से दिया। जिन चीजों में सिर्फ बुद्धि नहीं, आपका हृदय भी जुड़ जाता है, वो चीजें जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। कॉन्सेंट्रेशन में भी आप अपने मन, बुद्धि, शरीर, हृदय, आत्मा, ये सबको एक जगह पे सिंक्रोनाइज कर करके लाते हो क्या? पीएम मोदी ने छात्रों को परीक्षा की तैयारी के दौरान तनाव रहित होने के लिए गुरु मंत्र देते हुए कहा कि वो परीक्षा के दौरान हर वक्त पढ़ते ही नहीं रहे, बल्कि उन चीजों को भी करें जो उन्हें खुशी देती है। खेलने का शौक है, खेलिए। गीत गाने का शौक है, गाइए। सुनने का शौक है, सुनिए। जो आपको आनंद देता है, जो दोस्त मिलने से आपको एकदम से खुशी हो जाती है, उस दोस्त को 10 मिनट के लिए मिल लीजिए, बुला लीजिए। लेकिन डी फोकस किए बिना आप फोकस नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा गलती बड़ी ये हो जाती है कि हम फोकस 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 करते हैं और फिर स्थिति ये बन जाती है कि जो बेल को बांध देते हैं तो ऐसे ही घूमता रहता है। ये स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए, और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप स्वयं को
एक खुलापन छोड़िए, जो अच्छा लगता है वो करिए। सब चीजों को काट करके अपने आप को अलग मत कीजिए, वरना आपको कभी भी फोकस करने की संभावना ही बचेगी नहीं। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों के अभिभावकों को भी सलाह दी कि वो बच्चों की परीक्षा और अच्छे नंबर को अपने सोशल स्टेटस से नहीं जोड़े। अगर अभिभावक हर वक्त अपने बच्चों से परीक्षा में अव्वल आने की उम्मीद रखेंगे तो बच्चों पर उम्मीदों का बोझ बढ़ेगा, जो बच्चों में परीक्षा के दौरान तनाव बढ़ने की बड़ी वजह है। मैं अभिभावकों को कहता हूं कि आप इसको सोशल स्टेटस मत बनाइए, आप दुनिया से मत छुपाइए। अगर आपके बेटे के अंदर जो सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य की चर्चा कीजिए, उनके बेटे के सामर्थ्य से आप अपने बेटे की कंपैरिजन मत कीजिए। और दुनिया में कोई बालक ऐसा पैदा नहीं होता है कि जिसके अंदर कोई न कोई भगवान ने विशेषता न दी हो, हर किसी को भगवान ने कोई न कोई परम शक्ति दी होती है। अगर पेरेंट्स उस परम शक्ति को पहचान ले और बालक को उस परम शक्ति के साथ जोड़ करके रखे तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। इसके अलावा भी पीएम ने बच्चों को तमाम टिप्स दिए, जिसको मानकर परीक्षा देने वाले बच्चे अपनी तैयारी को अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं और परीक्षा के तनाव से मुक्त हो सकते हैं। हम अपने माता पिता के इरादों पर शक न करें, हम उनको आदरपूर्वक समझने का प्रयास करें। वे भी हमारे लिए जिंदगी खपा देते हैं। कोई अच्छी चीज खरीदनी है तो नहीं खरीदते हैं, क्यों? तो बड़े बच्चों को फीस देनी है, कहीं जाना है बाहर तो नहीं जाएंगे, बच्चों की एग्जाम है। माँ बाप, और ये स्वीकार के चलना चाहिए कि माँ बाप के जीवन का ड्रीम होता है अपने बच्चों को कुछ देखने का। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से लाखों छात्र छात्राओं को परीक्षा के दौरान तनाव कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन यूपी और बिहार के सरकारी स्कूलों के मैट्रिक और इंटर के छात्रों को मलाल है कि काश पीएम उनका भी ख्याल रखते। अगर पीएम उनकी परीक्षा शुरू होने से पहले ये गुरु ज्ञान देते तो उन्हें भी इसका फायदा पहुंचता। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पाठशाला के बारे में मेरठ की जनता क्या कुछ सोचती है, क्या राय उनकी है, ये आपको सुनाते हैं। मतलब उनकी बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने जैसे बच्चों को स्ट्रेस ना लेने के लिए बोला एंड मोटिवेट किया, क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रेस तो है ही एंड तैयारी भी चल रही है, तो इससे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि हाँ करना है, अच्छा करना है। जो उन्होंने एकदम दोस्ताना माहौल में जिस प्रकार से बच्चों के सवालों का जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से बच्चों के अंदर तनाव से मुक्ति का एक भाव पैदा होगा। बच्चे ने अपनी बात उनसे कही और उन्होंने अपने तरीके से उन्हें जवाब दिया, और ये एक प्रधानमंत्री की ओर से और देश के प्रधानमंत्री की ओर से, बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं टेंथ और ट्वेल्थ के बोर्ड या कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, उन सबको जानना और उन सब के लिए प्रधानमंत्री का अपना एक सोच, वो उन सबको उनको एक अलग दृष्टिकोण देती है। हिसाब से इस टाइम पे उनका ये सब बोलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसी टाइम ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इस टाइम उनका हमें मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो उन्होंने किया और बहुत अच्छे से किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब गुरु बनकर देश भर के छात्रों को गुरु ज्ञान दे रहे थे, उस वक्त यूपी बिहार और देश के कई राज्यों के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं तनाव के बीच में परीक्षा दे रहे थे। सरकारी स्कूलों के इन बच्चों की परीक्षा अब खत्म होने को है, ऐसे में उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी का गुरु मंत्र कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि परीक्षा का जो तनाव था उन्हें झेलना था वो झेल चुके। काश प्रधानमंत्री ये गुरु ज्ञान पहले देते तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को इसका फायदा हो सकता था। इन सब के बीच तो सबसे जरूरी है कि सरकार इन सरकारी स्कूलों में स्तरीय पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करे, जिससे बच्चे पढ़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हो पाए। लेकिन हाल ये है कि सरकारी स्कूलों में न तो बुनियादी सुविधाएं हैं और न ही पढ़ाने के लिए पर्याप्त और योग्य शिक्षक। वहीं शिक्षकों को पढ़ाई से अलग सर्वे के कामों में भी लगा दिया जाना गिरती शिक्षा स्तर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाई का माहौल नहीं मिलना भी परीक्षा में तनाव की एक बड़ी वजह होता है। पीएम
लिए मोदी आज देश भर के स्कूली बच्चों के सामने एजुकेशन काउंसलर के तौर पर सामने आए। मोदी सर ने बच्चों को परीक्षा के तनाव पर कैसे काबू पाया जाए इसका गुरु ज्ञान दिया। लेकिन क्या सचमुच ये गुरु ज्ञान देश के उन बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? क्योंकि देश के ज्यादातर राज्यों के सरकारी स्कूलों में इस वक्त मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं खत्म होने के कगार पर हैं। ज्यादातर राज्यों में गणित, साइंस और अंग्रेजी जैसे विषयों की परीक्षा हो चुकी है। ये वो विषय हैं जो परीक्षा देने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा तनाव में लाते हैं। बोर्ड परीक्षा में तनाव का हाल ये है कि यूपी में लाखों बच्चों ने इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फेल होने के डर से छोड़ दी। बिहार में भी इस वक्त मैट्रिक की परीक्षा खत्म होने वाली है और वहाँ भी परीक्षा देने वाले छात्रों पर तनाव हावी है। बच्चे परीक्षा में कैसे तनाव पर काबू पाएं, कैसे तनाव रहित होकर बच्चे परीक्षा दें, इस बात की टिप्स पीएम मोदी ने आज बच्चों को दी। लेकिन ये टिप्स इन बच्चों के लिए बेकार साबित हुई क्योंकि परीक्षा का जितना तनाव झेलना था ये बच्चे झेल चुके थे। शायद अगर पीएम कुछ दिन पहले ये टिप्स देते तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले इन बच्चों को कुछ फायदा हो सकता था। अब तो सीबीएसई की परीक्षा शुरू होने वाली है। सीबीएसई के तहत ज्यादातर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आते हैं जहां मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इन स्कूलों की फीस इतनी है कि गरीब बच्चों के लिए इन अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ना मुमकिन नहीं। गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं, लेकिन देश की सरकार के मुखिया ने आज सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का ख्याल नहीं रखा। सरकारी स्कूलों में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होने से पहले पीएम अपनी पाठशाला लगाते तो सरकारी स्कूलों के लाखों बच्चों को फायदा मिलता, वो पीएम की टिप्स का फायदा उठा पाते, तनाव रहित होकर परीक्षा दे पाते। लेकिन ना तो पीएम का परीक्षा में तनाव कम करने का टिप्स काम आया और ना ही सरकारी स्कूलों, खासकर गांवों के सरकारी स्कूलों में सरकार ऐसी व्यवस्था कर पाई है जिससे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा सके कि वो बिना किसी डर के परीक्षा के तनाव का सामना कर सके। दरअसल ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में तो शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। स्कूलों में ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं और ना ही पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति। गांवों के ज्यादातर स्कूलों में महज एक शिक्षक के भरोसे बच्चों की पढ़ाई हो रही है। जहां शिक्षक है वहां भी शिक्षकों को दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। जनगणना हो या कोई दूसरा सर्वे का काम, हर जगह स्कूली शिक्षकों को लगा दिया जाता है। शिक्षण कार्य से इतर काम में शिक्षक व्यस्त रहते हैं और उधर स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे रहती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे पढ़ें और कैसे बढ़ें बच्चे। हालात तो तब और भी गंभीर हो जाते हैं जब स्कूली बच्चों को भी सरकारी कार्यक्रमों में लगा दिया जाता है। जागरूकता अभियान के नाम पर स्कूली बच्चों को अक्सर लगा दिया जाता है, यानी मास्टर जी सर्वे के काम में व्यस्त और उधर स्कूली बच्चे जागरूकता कार्यक्रम में लगा दिए गए। अब बच्चों की शिक्षा का क्या होगा इसकी किसी को चिंता नहीं। बच्चों को ठीक से विषयों के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा तो परीक्षा में तनाव होना तो लाजमी ही है। क्यों नहीं सरकार ऐसी व्यवस्था करती है कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई इस तरह से कराई जाए कि वो परीक्षा देने पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ जाएं। लेकिन जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ही नहीं होती तो बच्चों को परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास आए भी तो कैसे। हाल में ही बिहार में स्कूली बच्चों को सरकारी जागरूकता कार्यक्रमों में लगाए जाने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई और सरकार को जमकर फटकार लगाई। बिहार सरकार ने आगे से स्कूली बच्चों को जागरूकता कार्यक्रमों के नाम पर स्कूलों से दूर नहीं करने की बात कही है। लेकिन उन शिक्षकों का क्या जिन्हें सर्वे के काम पर लगा दिया जाता है? इन बातों से हमारे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का माहौल खत्म हो रहा है और यही वजह है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को बुनियादी सवालों का जवाब तक नहीं पता रहता है और परीक्षा के दौरान उनका तनाव चरम पर रहता है। आज सारे देश के प्राथमिक विद्यालयों में 10 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। राज्य सरकारें केंद्र से इस मद का हिस्सा तो पूरा लेती हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का काम दैनिक मजदूरी से भी कम मानदेय पर अतिथि शिक्षकों के भरोसे डाल दिया जाता है। इन अतिथि शिक्षकों के खुद का भविष्य अनिश्चित रहता है तो वो कैसे बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं? वहीं शिक्षकों की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है। बच्चों की तो बात छोड़िए, उन्हें पढ़ाने वाले कई शिक्षकों को भी सामान्य ज्ञान और छोटे मोटे जोड़ घटाव की जानकारी नहीं है।
लेकिन सरकारों का सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित रहता है कि सस्ते से सस्ते शिक्षक कैसे नियोजित किए जाएं, लेकिन इसके कारण शिक्षक का स्तर कैसा होगा इसकी चिंता ना तो राजनेता करते हैं और ना ही अधिकारी। वहीं शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में रहती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के वक्त 72,000 शिक्षकों की नियुक्ति में जिस कदर नियमों की अनदेखी की गई, वो अपने आप में एक मिसाल है। आरोप है कि बिना योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति की गई, शिक्षकों की गुणवत्ता को बिना देखे नियुक्ति की गई, जिसकी वजह से मामला अदालत में अटक गया। शिक्षा मित्रों को समायोजित करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई, वो भी नियमों की धज्जिया उड़ाकर की गई। ऐसे में धरना प्रदर्शन और हड़ताल से भी स्कूलों में शिक्षा प्रभावित होती रहती है। यानी कुल मिलाकर देखें तो हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था ही धीरे धीरे इस कदर लचर होती जा रही है कि शिक्षा में गुणवत्ता की बात करना ही बेमानी हो गई है। बच्चों को सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल रही है। पढ़ाई के बिना उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। पीएम मोदी भले अपने गुरु ज्ञान में बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने की बात कह रहे हैं, लेकिन जब बच्चों को सरकारी स्कूलों में विषयों का ज्ञान ही सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, तो फिर बच्चों में आत्मविश्वास आए भी तो कहां से। ऐसे में वक्त रहते सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल नहीं बनाया गया तो देश के नौनिहालों का भविष्य अंधेरे में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दरअसल एक शिक्षित समाज देश को उन्नत और समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा विहीन समाज को साक्षात पशु के समान बताया गया, लेकिन आपको हैरानी होगी कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर स्कूलों में शिक्षा का स्तर ऐसा है नहीं है कि वो एक शिक्षित समाज और उन्नत राष्ट्र का निर्माण कर सके। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती। एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले 14 में से 18 साल के छात्र और छात्राओं को अपने क्लास के काफी छोटे क्लास में पढ़ाई कई बातों की भी जानकारी नहीं। सामान्य से जोड़ घटाव करने में भी इनका दम फूलने लग जाता है। जनरल नॉलेज ऐसी कि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश की राजधानी तक के बारे में इन्हें जानकारी नहीं। इस सर्वे के बाद से देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे कि क्या हमारे स्कूलों में शिक्षा के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही। भारत गांवों का देश है, यहाँ की ज्यादातर आबादी गांवों में बसती है, लेकिन गांवों के बच्चों को वैसी स्कूली शिक्षा नहीं मिल रही जिसके दम पर गांवों के नौनिहाल देश का नाम रोशन कर सकें। देश की एक बड़ी आबादी बुनियादी सामान्य शिक्षा से भी वंचित है। गांवों में स्कूल तो खुले, लेकिन यहां शिक्षा के स्तर को उठाने पर ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है। विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री कौन है? CM कौन है? आलम यह है कि 14 से 18 साल के एक चौथाई किशोर अपनी भाषा में लिखा हुआ सामान्य वाक्य भी धारा प्रवाह से नहीं पढ़ पाते। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर रूरल एरिया 2017 के सर्वे में ये बात सामने आई है। 24 राज्यों के 26 ग्रामीण जिलों में ये सर्वे किया गया। इस सर्वे ने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की पोल खोल दी। इस सर्वे के सामने आने के बाद से हमारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल गहरा चुका है। सर्वे में पता चलता है कि 36% ग्रामीण किशोरों को भारत की राजधानी तक का नाम नहीं मालूम। सर्वे के दौरान ग्रामीण इलाकों के स्कूल का जायजा लिया गया और वहां पढ़ने वाले बच्चों से उनकी किताबों की बुनियादी सवाल पूछे गए, लेकिन जवाब जो मिला उससे हमारा शिक्षा तंत्र सवालों के घेरे में आ गया। सरकार शिक्षा के नाम पर अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ना तो बच्चों के बैठने के लिए बेंच और डेस्क है, और ना ही बच्चों को पीने के लिए शुद्ध पानी और शौचालय मुहैया कराया जा रहा है। स्कूल में बिजली और पंखे नहीं होने की वजह से बच्चे गर्मी में पसीने से तरबतर रहते हैं, तो ही बरसात के दिनों में छत से पानी टपकने की वजह से बच्चों का पढ़ना मुहाल रहता है। गांवों के ज्यादातर स्कूलों की इमारत इतनी खस्ता हाल है कि कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता। इन बुनियादी खामियों के बीच बच्चों को कितनी बुनियादी शिक्षा मिलती है इस पर भी बड़ा सवाल है। गांव को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों में शिक्षा का स्तर उनके क्लास से काफी नीचे है। 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे 5वीं क्लास के सवालों को भी ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे। भारत में शिक्षा मंत्री कौन है?
शिक्षा मंत्री जी। अच्छा आप क्या विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री। पीएम कौन है आपके यहाँ का? शिक्षा मंत्री कौन है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर रूरल इंडिया 2017 के सर्वे के मुताबिक ग्रामीण इलाकों के 14 से 18 के आधे से ज्यादा किशोरों को सैकड़ों की संख्या में एक अंक से भाग देने में परेशानी हुई। 43% किशोर ही इस सवाल को ठीक से हल कर सके। अंग्रेजी को लेकर भी इन बच्चों के हाथ बेहद तंग नजर आए। सर्वे के दौरान जब 14 साल के बच्चों से अंग्रेजी में वाक्य पढ़ने को कहा गया तो महज 53% किशोर ही अंग्रेजी के वाक्य पढ़ पाए। हालांकि 18 साल के किशोरों में अंग्रेजी पढ़ पाने वालों की तादाद करीब 60% रही। सर्वे में जो बात उभर कर आई उसके मुताबिक उम्र के साथ बच्चों में इंग्लिश पढ़ने में सुधार दिखा, लेकिन गुणा भाग में ये तेजी नहीं दिखी। 76% बच्चे ही पैसों को सही से गिन सके और 56% ही किलोग्राम में वजन जोड़ पाए। सर्वे में इन बच्चों से उनकी उम्र और क्लास के मुताबिक सवाल किए गए, लेकिन जानकर हैरानी और चिंता हुई कि इन बच्चों की बुनियादी ही बेहद कमजोर है। उन्हें स्कूलों में स्तरीय शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बच्चों के बुनियाद को मजबूत करने में शिक्षक अपना योगदान नहीं दे रहे। ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के शिक्षक महज पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की इतनी बदरंग तस्वीर सामने नहीं आती। चिंता की बात यह है कि सर्वे में 14 से 18 साल के 40% बच्चे घंटे और मिनट के साथ सही टाइम तक नहीं बता पाए। इतना ही नहीं, भारत का नक्शा दिखाने पर 14% बच्चों ने गलत जवाब दिया। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों को कैसी शिक्षा दी जा रही है ये इसी बात से पता चलता है कि 36% बच्चों को अपने देश की राजधानी का नाम तक नहीं पता। सर्वे के दौरान जब 14 से 18 साल के बच्चों से भारत की राजधानी का नाम पूछा गया तो महज 64% बच्चों ने ही सही जवाब दिया। वहीं अपने राज्य का नाम बताने में 79% बच्चे सही निकले। भारत के नक्शे पर 42% ही अपने राज्य को सही पहचान सके। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के स्तर पर हुए सर्वे से सब बढ़े के नारे पर सवाल खड़े हो गए। जब हमारे स्कूल में ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो फिर देश के नौनिहाल से कैसे भविष्य की उम्मीद की जाए। देश के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का सच डराने वाला है और वक्त रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम तथाकथित पढ़े लिखों की फौज तो खड़ी कर लेंगे, लेकिन देश का भविष्य अपने पैरों पर खड़े रहने लायक नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही छात्रों को परीक्षा में तनाव रहित होकर परीक्षा देने के टिप्स दे रहे हैं, लेकिन देश में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति तनाव देने वाली है, क्योंकि देश में शिक्षा का स्तर सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ता ही जा रहा है। बच्चों को सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल पाती, वही छात्र हैं, शिक्षकों को भी बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये पाठशाला, जिसको लेकर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि अगर वक्त रहते प्रधानमंत्री की ये पाठशाला शुरू हो जाती तो शायद इसका फायदा उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी होता जो बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल हुए और जिनकी परीक्षाएं खत्म होने की कगार पर हैं। इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि सलाह प्रधानमंत्री अच्छी दे रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सवालों के घेरे में। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।